Hey my beautiful viewers, welcome to Empty Kitchen. आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यम्मी सा चिकन टिक्का फ्राइड राइस। अगर आप एक बार ऐसे बना कर खाएँगे तो बार बार इसी की ही मांग करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनता है। चलिए इसे किस तरह से बनाते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे चिकन टिक्का रेडी करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे ली हूँ 500 ग्राम उतना चिकन। हमें यहाँ पे बोनलेस वाला चिकन लेना है और छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। और इसी में ही मैं यहाँ पे कुछ मसाले ऐड करने जाऊँगी, जैसे कि 1 टेबल स्पून उतना नमक, 1 टेबल स्पून उतना रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून उतना लहसुन का पेस्ट, 1/2 टेबल स्पून उतना अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून उतना चिकन मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून उतना धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून उतना ब्लैक पेपर पाउडर और 1/2 टेबल स्पून उतना गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर आप यहाँ पे अपने हिसाब से ले सकते हैं। और इन सब मसालों को मैं यहाँ पे चिकन में ही ऐड कर देती हूँ। और देखिए इसी तरीके से हम यहाँ पे पूरे मसाले ऐड कर देने हैं। और इसी के साथ मैं यहाँ पे ऐड करने जा रही हूँ 1/2 नींबू का रस। और अच्छे से यहाँ पे हम थोड़ा सा फूड कलर भी डाल लेंगे, क्योंकि बहुत ही बढ़िया सा कलर भी आ जाता है। और अच्छे से हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। पूरे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं, इस तरीके से हम यहाँ पे मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो यहाँ पे हाथों की मदद से भी अच्छे से मिक्स कर ले सकते हैं। और देखिए यहाँ पे अच्छे से मिक्स भी हो चुका है। और हम इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही साइड में रख देते हैं। मसाले सब अच्छे से लग जाएँ इसलिए हमें यहाँ पे 5 मिनट तक ढक कर रख देना है। और देखिए यहाँ पे मैं ली हूँ 3 एग। और इसी में ही मैं यहाँ पे ऐड करने जा रही हूँ थोड़ा सा नमक और उसी के साथ 2 टेबल स्पून उतना नूडल्स मसाला पाउडर, क्योंकि इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाता है। अगर आपके पास भी नूडल्स मसाला पाउडर हो तो 2 टेबल स्पून उतना इसमें ऐड कर दीजिए। और अच्छे से यहाँ पे हमें मिला लेना है। और देखिए यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसे भी हम एक साइड में रख लेते हैं। और देखिए यहाँ पे मैंने चावल भी पका कर रख लिया है। आज मैं यहाँ पे ली हूँ 2 कप उतना बासमती राइस, जिसे मैंने 1/2 घंटे के लिए पानी में अच्छे से भिगने के लिए छोड़ दिया था। और उसके बाद मैंने यहाँ पे पानी में नमक और तेल डालकर अच्छे से 90% उतना बासमती राइस चावल पका लिया है। अच्छे से पकने के बाद मैंने अच्छे से स्टेन कर लिया है और 1 कटोरी में यहाँ पर मैंने डालकर रख लिया है। और देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले चिकन टिक्का पकाएंगे, मतलब चिकन टिक्का हमें यहाँ पे रेडी कर लेना है। इसके लिए मैं यहाँ पे ली हूँ पैन और इसी में ही यहाँ पे ऐड करने जा रही हूँ तेल। हमें यहाँ पे बहुत तेल नहीं डालना है, थोड़ा सा ही तेल ले लेना है। और एक एक करके हमें यहाँ पे चिकन के पीसेस को ऐड करते जाना है। और अच्छे से यहाँ पे 5 मिनट भी हो चुके थे चिकन को, और एक एक करके मैं यहाँ पे ऐड करते जाऊँगी। और देखिए 2 मिनट तक हमें ऐसे ही रखना है, बिल्कुल भी नहीं चलाना है, क्योंकि मसाला सब अच्छे से बिखर जाता है, इसलिए 2 मिनट तक ऐसे ही रखें। आप भी इसी तरीके से एक बार ज़रूर बनाकर खाएं चिकन टिक्का फ्राइड राइस। अगर आप एक बार बनाकर खाएंगे तो बार बार इसी की ही मांग करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही लाजवाब बनता है, इसलिए आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। और देखिए इसी तरीके से हम यहाँ पर चिकन को भी अलट पलट कर पकाते जाना है, मतलब मिक्स करते हुए हम यहाँ पर पका लेना है। हमें यहाँ पे चिकन को पूरी तरीके से पका लेना है। लगभग 6 से 7 मिनट तो मीडियम फ्लेम पर लग ही जाते हैं। और अच्छे से यहाँ पे चिकन पक जाना चाहिए, इस तरीके से हमें यहाँ पे पका लेना है। और देखिए यहाँ पे चिकन भी पूरी तरीके से अच्छे से पक चुका है। और मैं इसे यहाँ पे निकाल लेती हूँ। इसी तरीके से हमें अच्छे से निकाल लेना है। जो बचा हुआ तेल है ना यहाँ पे, उसी में ही मैं यहाँ पे जो एग था उसे यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। देखिए अच्छे से एक बार मिक्स कर लेना है और इसी एग को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। और थोड़ा सा हमें यहाँ पे पकने देना है, मतलब लगभग कुछ सेकेंड्स तक। इस तरीके से पकने के बाद हम अच्छे से यहाँ पर इस एग को भी मिला लेते हैं। देखिए इसी तरीके से हमें मिलाते हुए जाना है, मतलब यहाँ पे एग के छोटे छोटे पीसेस हो जाना चाहिए। इस तरीके से हमें यहाँ पे मिलाते हुए इसे पका लेना है, देखिए इसी तरीके से। और यहाँ पे बहुत बढ़िया से एग भी पक चुका है और इसे भी मैं निकाल के रख लेती हूँ। और देखिए यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है और इसी में ही मैं यहाँ पर ऐड करने जा रही हूँ तेल। और तेल को ऐड करने के बाद इसे हम अच्छे से गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। और इसी में ही मैं यहाँ पर ऐड करने जा रही हूँ 5 से 6 उतने लहसुन के पीसेस, जिसे हमने यहाँ पे बारीक से काट लिया है। और उसी के साथ
एक बारीक सी कटी हुई प्याज, तीन उतनी बारीक सी कटी हुई हरी मिर्च, और इन सब को हम यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और थोड़ा सा हम यहाँ पे कलर चेंज होने तक पका लेना है, मतलब प्याज का यहाँ पे हल्की सी कलर चेंज हो जाना चाहिए तब तक हमें यहाँ पे पका लेना है। हमें यहाँ पे प्याज को गलाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा कलर चेंज हो जाए तब तक हम इसे यहाँ पे पका लेंगे इसी तरीके से चला चला कर। और देखिए यहाँ पे प्याज का कलर भी चेंज हो चुका है। इसी वक्त हमें यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है, और यहाँ पे मैं ऐड करने जा रही हूँ कैबेज। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कैबेज ली हूँ और उसी के साथ एक उतना गाजर। हमें यहाँ पे इसी शेप में काट लेना है क्योंकि देखने में भी बहुत ही सुंदर लगता है और खाने में तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। और एक उतना कैप्सिकम, थोड़ी सी मटर, मैं यहाँ पे फ्रेश मटर ली हूँ और मटर को भी यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ। और देखिए यहाँ पे मैं इतनी सब्जियाँ ली हूँ और इसे हम अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे सिर्फ 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर। हल्की सी इसका कच्चापन दूर हो जाना चाहिए तब तक हमें यहाँ पे पका लेना है, गलने तक बिल्कुल भी नहीं पकाना है, सिर्फ 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर। और देखिए यहाँ पे अच्छे से कच्चापन भी दूर हो चुका है। मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके बासमती राइस ऐड कर देती हूँ। इसी तरीके से हमें यहाँ पे पूरा राइस ऐड कर देना है, और इसके ऊपर से मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून उतना सोया सॉस, 1 टेबलस्पून उतना वाइट पेपर पाउडर, और अच्छे से इन सबको हम यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं। पूरी चीज़ें अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो जाएं इस तरीके से हम यहाँ पे मिक्स कर लेना है। और देखिए अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो चुका है। इसके ऊपर से मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ धनिया के पत्ते थोड़े से बारीक से कटे हुए, और अच्छे से यहाँ पे फिर से मिक्स कर लेते हैं। और इसके ऊपर से हमें यहाँ पे ऐड कर देना है चिकन टिक्का, और जो एग था ना उसे भी हम इसी के ऊपर से ऐड कर देते हैं, और अच्छे से सब चीज़ों को मिलाते हुए 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाते हैं। और देखिए देखने में तो कितना मज़ेदार लग रहा है ना, खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनता है, इसलिए आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। और देखिए अच्छे से 2 से 3 मिनट तक मिक्स हो चुका है, और मैं यहाँ पे गैस के फ्लेम को भी बंद कर देती हूँ। और देखिए यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार से चिकन टिक्का फ्राइड राइस की रेसिपी रेडी हो चुकी है, आप भी एक बार ज़रूर बनाएं। अगर आपको मेरी बनाई हुई चिकन टिक्का फ्राइड राइस की रेसिपी अच्छी लगी हो तो एमटी किचन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना, क्योंकि ऐसे बढ़िया बढ़िया सी वीडियोस जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सकें।